बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑड एक्सपोनेंट और इवन एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो पहले हम ऑड एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नेगेटिव टू होल टू द पावर थ्री, यहाँ जो बेस जो है वो नेगेटिव है और उसका जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो ऑड है। तो जब हम नेगेटिव टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। जैसे नेगेटिव टू इंटू नेगेटिव टू इंटू नेगेटिव टू इज़ इक्वल टू नेगेटिव एट। सो जब हम नेगेटिव टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एट आएगा। अब हम इवन एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नेगेटिव टू होल टू द पावर फोर, यहाँ जो पावर या एक्सपोनेंट फोर है वो इवन है। जब हम नेगेटिव टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे नेगेटिव टू इंटू नेगेटिव टू पॉजिटिव फोर आएगा, पॉजिटिव फोर इंटू नेगेटिव टू नेगेटिव एट आएगा। जब नेगेटिव एट को नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव सिक्सटीन आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब बेस नेगेटिव हो और उसका एक्सपोनेंट या पावर ऑड हो तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। जब बेस नेगेटिव हो और उसका एक्सपोनेंट या पावर इवन हो तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। पहला असाइनमेंट है नेगेटिव थ्री होल टू द पावर फाइव और नेगेटिव थ्री होल टू द पावर सिक्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का जवाब क्या आएगा। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, बेस एंड एक्सपोनेंट पार्ट फोर में। सो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।